हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी नागपुर महाराष्ट्र का अंसारी कम्युनिटी के स्पेशल तौला की रेसिपी, जिसे ख़ास बकरी ईद में बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है। तौला के 2 से 3 स्पेशल मसाले होते हैं, तो हमें कोई रेस्टोरेंट वाला तो नहीं बताएगा, लेकिन सारे स्पेशल मसाले के सीक्रेट और सही मेजरमेंट आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो आप पूरा फुल से वॉच कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार ये तौला रेडी होता है, तो आप एक बार ज़रूर से ये तौला आपके घर जब भी कोई गेस्ट आए तो बनाएं और उनके सामने सर्व कीजिए। तो तौला बनाने के लिए सबसे पहले हमने मटन किस तरह का लेना, तो देखिए इस तरह का हमने मटन यूज़ किया है। इसमें थोड़े से फैट के पीसेस से, थोड़े से इस तरह के पीसेस से, चपटे चपटे पीसेस, इसमें बोन्स यानी बिल्कुल भी हड्डियाँ नहीं लेना है। और 1 kg के रेशो में हम आज तौला बनाकर बताएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वीडियो आप पूरा फुल से वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक मोटे तलोए का भगोना रखेंगे, उसमें पीनट ऑयल डालेंगे 200 ग्राम। आप अलसी का ऑयल यूज़ कर सकते हो क्योंकि तौला अलसी के ऑयल से ही बनता है, लेकिन हर जगह अलसी का ऑयल नहीं मिलता इसलिए हमने पीनट का ऑयल यूज़ किया। 200 ग्राम पीनट ऑयल यूज़ करेंगे, 50 ग्राम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। इसे अच्छी तरीके से इसमें धुआं आने तक हम गर्म करेंगे। गर्म गर्म ऑयल में जो है तो वॉश किया हुआ मटन हम डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि हमें गरम गरम ऑयल में डालना है, क्योंकि सरसों के ऑयल में थोड़ी कड़वाहट होती है, और अगर इससे हमने धुआं आने तक पकने दिया तो इसकी कड़वाहट निकल जाती है। अब जो है तो ऑयल डाल दिया है हमने, एकदम गरम होने दिया है, उसके बाद में हम फ्रेश एकदम मटन डालेंगे अच्छी तरीके से धुला हुआ, और इसे इस तरह से जो है तो हमने मिक्स करना है। तो इसे हम कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने का किस तरीके का तरीका है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक वे में बताना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम ऑथेंटिक तरीके से, तो आप ज़रूर भगोने में बनाएं। इसमें पकने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अदरक का और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो अगर अदरक आपके पास में ना हो तो स्किप भी कर सकते हो, और अदरक तो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, लेकिन हर चीज़ में हम अदरक यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस टाइम पे इसमें अदरक डाल देंगे। 15 से 20 कलियाँ लहसुन के और छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का हमने छन्नी बत्ते में कूट लिया है, और कूटा हुआ हम इसमें डालेंगे। हमने एकदम बारीक फाइन पेस्ट वाला नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसे हम बहुत देर पकाएंगे कि अच्छी तरीके से अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा करके गलता है। अब ये दोनों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें हम जो है तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ताकि अदरक लहसुन और नमक मटन में अच्छी तरह से लग जाए और मटन में अंदर तक के इसके फ्लेवर्स जो है तो घुस जाए। तो देखिए इन सारी चीज़ों को फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें बस हमें मसाले डालते रहना है और मिक्स करते रहना है ये सारी चीज़ें, ताकि तौला हमारा शानदार और टेस्टी बने। अब इसमें 200 ग्राम हमने अनियन को पतला पतला चॉप करके रखा है, पतला पतला चॉप की हुई अनियन इसमें हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने कट करके रखी, ये डालने के बाद में फिर से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। देखिए अच्छी तरीके से अनियन को मिक्स करना है, ताकि अनियन भी जो है तो मेल्ट होना और गलना शुरू हो जाए। तो एक बार इस बकरा ईद आप तौले की रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखेंगा, और वीडियो आपने यहाँ तक के देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इस ढक्कन ढाक देंगे और 15 मिनट जो है तो स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि अनियन अच्छी तरह से इसमें पक जाए और गल जाए। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, अनियन ने भी अपना थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ दिया और मटन ने भी मॉइस्चर छोड़ दिया, तो मॉइस्चर में ये बहुत देर तक के जो है तो अच्छी तरह से पक जाता है। तो अभी हम वाटर इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसे अच्छी तरीके से अपने मॉइस्चर में पकने देंगे, ताकि अदरक लहसुन और नमक अच्छी तरह से मटन में मिक्स हो जाए। अब डालेंगे हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, टू टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर जो है तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। हर किसी के घर की लाल मिर्च पाउडर अलग होती है, किसी के घर की तीखी होती है तो थोड़ी कम डालें। 1/2 टीस्पून जो है तो हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर से थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि नमक अगर कम हो तो बैलेंस हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ताकि जो हमारा मसाला है बिल्कुल भी जले ना और अच्छी तरीके से भुने जाए। 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास वाटर,
क्योंकि हमें खूब अच्छी तरीके से गोश्त लसलसा गले तक के हमें इसे गलाना है, और भगोने में गोश्त गलाना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। देखिए अभी 20% तक के भी जो है तो हमारा मटन गला नहीं है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। ढक्कन ढक देंगे स्लो फ्लेम पर जो है तो 40 से 45 मिनट इसे पकने देंगे। तो अब एक मसाला बताऊँगी, इसके बाद जो सीक्रेट तवले का मसाला है वो आगे वीडियो में बताऊँगी। तो अभी हमें 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट लेना है, 2 टेबल स्पून पीनट लेना है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल लेना है। तो देखो तीनों की इक्वल क्वांटिटी है और इक्वल मेजरमेंट है, और 1 kg मटन का जो तवला बना है ना उसमें इतना हमें पूरा मसाला लगेगा। तो देखिए ये तीनों भी हमें ले लेना है। अब गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक पैन रखेंगे, पैन में जो है तो पहले हम ड्राई कोकोनट डाल देंगे और ड्राई कोकोनट को अच्छी तरीके से जो है तो रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल होता है कोकोनट के अंदर वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए। तो इसके कोकोनट के ऑयल के अंदर जो है तो हमारे पीनट बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट होते हैं, हल्का रोस्ट करना है ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल निकल जाए। अब इसके बाद में हम इसमें पीनट डालेंगे और पीनट को जो है तो जो ड्राई कोकोनट है उसे अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे, और फिर गैस बंद करने के बाद में तिल को यूज़ करेंगे क्योंकि तिल बहुत जल्दी जलने लगती है, और हमें तिल को और इन कोई चीज़ों को जलाना नहीं है, मीडियम सा रोस्ट करना है ताकि हमारे पीनट के ऊपर के छिलके निकल जाए। तो देखिए पीनट बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं और इसमें थोड़े थोड़े से डार्क भी आ चुके हैं। आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो है तो तिल भी डाल देंगे, थोड़ा सा स्पैचुला से नीचे ऊपर करेंगे तो तिल अपने आप चटकने लगती है और तिल बहुत ही जल्दी हमारी जो है तो सीके जाती है, यानी रोस्ट हो जाती है। अब जो है तो एक इस तरह की प्लेट निकालेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, पीनट के ऊपर के छिलके निकाल लेंगे और फिर इसे जो है तो पीस कर रेडी करेंगे। जितना फाइन पाउडर हो सके उतना फाइन बनाना है, लेकिन पहले इसे ठंडा होने देना है वरना इसमें ऑयल आ जाता है। तो देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हमारा जो है फाइनल एक तौले का मसाला रेडी है। अब हम जो सीक्रेट मसाला है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, वीडियो आप पूरा फुल से वॉच कीजिए। देखिए इस तरीके का ये हमारा पाउडर बन के रेडी है। अब यहाँ पर हमारे मटन जो है तो 45 मिनट हो चुके थे, काफ़ी शानदार तरीके से मटन गल चुका है। देखिए जो पीस है इसकी साइज़ ही हमें बताती है कि मटन गला है या नहीं गला, और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने पीनट का मसाला पीस कर रखा है ये डाल देंगे, फिर से मिक्स करेंगे। देखिए अभी इसमें ऑयल दिख रहा है, जैसे हम पीनट का मसाला डालेंगे इंस्टेंट ऑयल वो है तो सोक कर लेंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो भी थिक हो जाएंगी। इसकी थिकनेस को दूर करने के लिए जो है तो हम 1 कप भरकर दही डालेंगे ताकि जो है तो इसके अंदर का दही का मॉइस्चर आ जाए, निकल जाए, और फिर हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो जितना भी ऑयल है वो सारा ये रिलीज़ कर दे हमारा तौला। तो अभी तौले का जो खास कलर है वो नहीं आया क्योंकि इसका सीक्रेट हमने मसाला नहीं बनाया, इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब इसका जो सीक्रेट मसाला होता है, जो खास तौला का मसाला होता है वो बनाएंगे। उसके लिए पैन रखेंगे, पैन में जो है 2 टेबल स्पून जो है तो धनिया लेंगे और 2 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे, 5 से 6 इसमें काली मिर्च लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे यानी सीख लेंगे। एकदम ब्लैक होने तक हमें सीखना है ताकि जो है तो इसका तौले का जो असल लुक है वो आ जाए। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लिया, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये गरम गरम जो है तो हमारा पैन है, इसी पर हम ये सिक लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा तौला का जो ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें कितना धुआं आने लगा था, अब ये काफ़ी गर्म है तो अभी हमारे समझ, थोड़ा सा ठंडा होता है ना, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें करना। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट ठंडा करना है। अब देखिए मैं आपको हाथ में लेकर बताऊंगी, तो ये ब्लैकिश जो है तो हमारे जो भी ज़ीरा और धनिया हाथ में हम इसे प्रेस करें तो एकदम ब्लैक हो रहा है ना हाथ, तो ये हमारा रेडी है। अब इसे भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के जार पे डालकर पीस लेंगे। तो देखिए जो तौला का खास मसाला ये हमारा रेडी है। तो आपको तौला एकदम ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का चाहिए तो आप पूरा मसाला डालें, और अगर थोड़ा सा ब्लैकिश कम चाहिए तो फिर थोड़ा कम मसाला डालें। आपको जिस तरह का कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसमें मसाला यूज़ कर सकते हो। अब हमारा देखिए तौले को हमने 10 मिनट रखा था, इसमें जो है तो ऑयल भी रिलीज़ हो चुका था और कलर भी अच्छा आ चुका था। अब इसमें हम जो सीक्रेट मसाला ये डालेंगे, देखिए इससे इंस्टेंट जो है तो ऑयल भी निखर के आ जाएगा, देखिए बिल्कुल भी क्लिप कटी हुई नहीं है, और जो है तो हमारा तौला एकदम शानदार दिखने लगेगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ब्लैकिश चाहिए तो आप थोड़ा सा मसाला और भी यूज़ करें। इसे 5 से 10 मिनट इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए आप फाइनल हमारे तौला का लुक देखिए, क्या शानदार इसमें तरी आई है, क्या शानदार रोगन आया है, हमारा तौला रेडी है। इससे आप आसानी से जो है तो राइस के साथ में इंजॉय कर सकते हो, पराठा के साथ में इंजॉय कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ में आप इंजॉय कर सकते हो। अब जो है तो हम एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें जो है तो सर्व करेंगे। आ गया ना देखते ही मुँह में पानी, तो एक बार इस तरह से आप तौला ज़रूर से बना कर देखेंगे, आपको बहुत 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 पसंद आएगा। देखिए फाइनल हमारा तौले का लुक देख लीजिए। तो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको तौला की हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल बटन आता है उस कॉल पर क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।